हेलो वाइस वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर थ्री दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस तो इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी को कोशिश ये करना है कि आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे और फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन एक गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कब बोल सकते हैं जबकि उसका पेडअप कैपिटल जो है गवर्नमेंट की पेडअप कैपिटल जो है वो इससे कम नहीं होना चाहिए तो कोई भी कंपनी जिसमें जो है गवर्नमेंट अपना 50 परसेंट से ज़्यादा मतलब 51 परसेंट से ज़्यादा अगर उसमें शेयर हो जाए 51 परसेंट हो जाए तो वो जो कंपनी वो पर्टिकुलर कंपनी कौन सी कंपनी हो जाती है एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा एक गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए उसका जो शेयर है एटलीस्ट फिफ्टी पॉइंट परसेंट होना चाहिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इंडस्ट्री इज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर इसमें से कौन सी इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं किया है हमारे इंडिया के अंदर तीन ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनको जो है पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया इन पर्टिकुलर सेक्टर में जो है प्राइवेट कंपनियां नहीं जा सकती हैं ओके तो वो जो तीन रिजर्व है उसका नाम आप याद रखिए एक तो न्यूक्लियर एनर्जी वेपन्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट ये तीनों गवर्नमेंट के पास है बाकी जो है प्राइवेट जो लोग हैं वो उसमें अपना बिजनेस कर सकते हैं तो शुगर इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर का के लिए रिजर्व नहीं है और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा था तो इसलिए हमारा सेकेंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ोगे स्टैचुरू स्टैचुरी कॉरपोरेशन हो गया इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी हो गई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें ना तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसको जिसको मतलब डेफिनेटली वो गवर्नमेंट कहलाई जाती है तो उसका मेन जो मकसद होता है फॉर पब्लिक वेलफेयर और सर्विस पब्लिक के वेलफेयर के लिए और सर्विस को देने के लिए जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खुलते हैं अगर प्रॉफिट और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ये मेन मकसद किसका होता है जो जो भी प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइजेज़ होते हैं टू एक्सपैंड अदर कंट्री में जो है एक्सपेंड करने का प्राइवेट का भी हो सकता है मल्टी नेशनल कंपनी का तो मेन होता ही है ठीक है तो बाकी हमसे पूछा होता है सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है दिनिम नंबर ऑफ मेंब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ मेंस की जरूरत होती है तो इस जो डाटा को भी आपको याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ में चाहिए टू फॉर्म अप पब्लिक कंपनी ट इज सेवन ठीक है तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हमें ऑप्शंस में से बताना है कि विच आर एस्टैब्लिड एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल बाय दी गवर्नमेंट इनमें से कौन सा जो है एंटरप्राइजेस को हम इस्टेब्लिश करते हैं एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री मतलब वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है और उसको फाइनेंस करने का काम कंट्रोल करने का काम वो गवर्नमेंट करती है ठीक है ना तो वो जो चीज है वो आपका क्या है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जैसे हम बात करें रेलवे तो वो क्या है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ तो रेलवे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है तो वो एग्जाम्पल किसका हुआ एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का ठीक है तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल नहीं है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मतलब मिनिस्ट्री के यहां चीजें जाएंगी ठीक है ना मिनिस्ट्री और जो भी मिनिस्ट्री के अंदर लोग आप काम करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है ठीक है ना अब इंडियन रेलवे तो हमारा मैंने बताया ही आपका एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का पोस्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये भी आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है प्रसार भारती ये भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नहीं है क्वेश्चन में भी हमसे नहीं पूछा था तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ फॉलोइंग कम्स अंडर दी प्राइवेट सेक्टर इनमें से कौन सी जो चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप भी है पार्टनरशिप भी और ज्वाइंट फैमिली ये तीनों के तीनों प्राइवेट सेक्टर हैं जिनका मेन मकसद प्रॉफिट को अर्न करना होता है तो सेवेंथ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ दंट्रोल एंड मैनेज एज पर प्रोविजन ऑफ दू अर विच इट हैज बीन फॉर्ग इसमें से कौन कौन सी जो कौन से टाइप का एंटरप्राइजेज है जिसको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है एज पर दी प्रोविजन ऑफ दी मतलब इसको बनाने के लिए ना कुछ लॉ पास करने पड़ते हैं और उसके प्रोविजन के थ्रू ही इसको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है तो ये जो चीज़ होती है ना वो होती है क्या स्टैचुरी स्टैचुरू स्टैचुरी कारपोरेशन जैसे हमारा एल है ठीक है ना तो ये जो एग्जाम्पल है किसके स्टैचुरी कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल होते हैं ठीक है तो एड्स का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एंटरप्राइज रिक्वायर्ड स्पेशल पावर्स टू फुलफिल अ पर्टिकुलर पर्पज फॉर सोशल कॉज वाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इट इज़ एक ऐसे इंटरप्राइजेस जिसको स्पेशल पावर चाहिए होता है कोई भी पर्टिकुलर पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए फॉर सोशल कॉज तो इसमें ये जो है किस टाइप के पब्लिक मतलब आपको इस क्वालिटी से बताना है कि ये किस टाइप का पब्लिक सेक्टर है तो ये आपका कुछ और नहीं बल्कि वही स्टैचुरी कारपोरेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बिकम शेयर होल्डर किस टाइप का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जो प्राइवेट इंडिविजुअल है ना जो नॉर्मल कोई आम पब्लिक या प्राइवेट कंपनियाँ या प्राइवेट जो भी इंडिविजुअल हैं वो भी शेयर होल्डर बन सकते हैं तो वो किस टाइप का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है तीनों ही हमारे एग्जाम्पल है किसके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के लेकिन प्राइवेट लोग जो है ना शेयर होल्डर बन सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ठीक है तो टेंथ का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड द अप्रोच टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्पेसिफाई किया था मतलब अप्रोच दिए थे कि अब जो है हम अपने इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलपमेंट पे जो है बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था इन द ईयर नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच याड ड्रास्टिक चेंज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया कौन से साल में ऐसा हुआ जबकि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडिया में एकदम परिवर्तन आ गया जैसे अगर हम बात करें ना 1991 से पहले ऐसा होता था कि कोई भी कंपनी अगर खोलना चाहे अपना बिजनेस करना चाहे तो लाइसेंस लेना पड़ता था तो और उसके अलावा गवर्नमेंट सेट करती थी कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है कितना आप इम्पोर्ट कर सकते हो कितना लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना हटा दी कब नाइनटीन में जब हमारी इंडिया ने अपना लिया एल पी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वो हमारा आया नाइनटीन में ट्वेल्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा

जिसका जो नेटवर्क होता है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैला रहता है तो वो हमें हिसाब से पता चल रहा है कि वो हमारा कौन सा है ग्लोबल एंटरप्राइजेस नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की जो है इनमें से कौन से फीचर नहीं है मतलब तीन तो ऐसे फीचर है जो कि गवर्नमेंट कंपनी को दिखा रहा है एक जो है वो नहीं दिखा रहा है ठीक है ना पढ़ना शुरू करते हैं इट इज़ फाइनेंस बाई एनुअल बजट एलोकेशन इट इज़ इन अंडर कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी गवर्नमेंट हैज़ मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेडअप कैपिटल तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उसको रजिस्टर कराना होता है अंडर कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स उस फिफ्टी वन परसेंट पेड अप कैपिटल भी होता है और जैसे ही कंपनी बनता है उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है तभी तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बाद में जाके प्राइवेट कंपनी में चिं जाती है जैसे ही गवर्नमेंट अपने अपना शेयर बेचा तो वो क्या किसी और ने खरीद लिया कोई पब्लिक पर्सन ने खरीद सॉरी कोई नॉर्मल पब्लिक ने खरीद लिया इंडिविजुअल ने खरीद लिया तो वैसे ही वो प्राइवेट कंपनी बन जाती है तो उसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाता है लेकिन कभी भी गवर्नमेंट कंपनी को जो है ना बजट एलोकेशन से फाइनेंस नहीं किया जाता है तो ये ऑप्शन बिल्कुल मतलब ये हमसे पूछा होता कौन सा फीचर नहीं है तो ये वाला उसके अंदर फीचर नहीं है इसलिए फिफ्टीन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है विच एंटरप्राइजेस हेल्प इन कंप्लीटिंग पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोजेक्ट एट मच हायर स्पीड विद दी हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनमें से कौन सा टाइप का जो एंटरप्राइज़ है वो पब्लिक यूटिलिटीज को कम जो पब्लिक यूटिलिटीज़ के प्रोजेक्ट होता है उसको जल्दी से जल्दी से हाई स्पीड्स में वो काम हो जाए विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर तो वो किस टाइप का एंटरप्राइजेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जबकि पब्लिक कंपनियां और इंडिविजुअल जो प्राइवेट इंडिविजुअल है दोनों मिलकर किसी काम को जल्दी हो जाए इस चीज को करने के लिए जब एक साथ आते हैं तो वो हमारा क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज टर्म्ड यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग इनमें से कौन से एंटरप्राइजेस के अंदर मतलब किस टाइप के जो चीज़ों के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है यूज किया जाता है उस पर साइन होते हैं ठीक है ना एक लीगल तरीके की फॉर्मेलिटी है तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जॉइंट वेंचर के अंदर और पब्लिक सेक्टर का जब भी कोई रो, रोल चेंज होना होता है तभी भी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पर यूज़ होता है इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट yeah. है एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ़ फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनमें से कहाँ पर जो बंदा काम कर रहा होता है तो उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं ठीक है ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही होते हैं वही लोग होते हैं जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं ठीक है ना जो भी मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी चीजें शुरू होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर तो वही जो उनके यहाँ जो काम कर रहे होते हैं उसी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाता है नेक्स्ट है पी एस ईज आर रिकोगनाइज आर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाई पी एस सी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसको कौन ओन करता है तो उसको कौन ओन करेगा गवर्नमेंट करेगी ठीक है नाइनटीन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एम एन सीज इसमें से कौन सा पॉइंट जो है एम के फीचर्स को डिस्क्राइब करने का काम करता है एम की मतलब क्या क्या खास बात है उसके क्या फ़ीचर्स हैं इसमें से कौन सा वाला ठीक होगा ये हमसे पूछा हुआ है तो जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती है उनका कैपिटल रिसोर्सेज़ काफ़ी बड़ा होता है एम वो बनती तभी है तभी जब उनका धीरे धीरे कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाता है उनके ब्रांचेस बढ़ने लगते हैं अपनी कंट्री में फिर वो जाते हैं अगले स्टेज में दूसरे कंट्री में धीरे धीरे और अपने ब्रांचेस बढ़ाते हैं तो उनके पास यूज़ कैपिटल रिसोर्सेज़ होता है इसके अलावा और जितनी भी एम कंपनी उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है प्रोडक्ट में इनोवेशन भी करते रहते हैं तो ये ऑल ऑफ दी अव हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द disadvantage ऑफ़ एम एन सीज एम एन सीज का कौन सा एक डिसएडवांटेज है मतलब तीन तो यहाँ पे हमें एडवांटेज देखने को मिलेगा एक जो है डिसएडवांटेज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन पढ़ते ही हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफिंग लिविंग एम आने की वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग में परिवर्तन आया क्योंकि हम हमारे पास अब कुछ ही प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं इनोवेशन के साथ है. तो हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग बढ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आया इसके अलावा फॉरन एक्सचेंज आया लेकिन ये नेशनल प्रियोरिटी को डिसरिगार्ड करने का काम करता है ये एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज है क्वेश्चन में डिसएडवांटेज पूछा था इसलिए ट्वेंटी का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल इफ इट इज कंसर्न विद नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा जब उस बात पे कंसर्न करता है कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में जब बात आती है सामने तो उसके लिए क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर बह, होगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सही होगा तो वो होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इसमें जो है इनको बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये अपनी बात जनता को बताएं कि हम कैसे काम कर रहे हैं क्या जैसे कंपनी होती है उनको अपना जो है रिपोर्ट देना पड़ता है हर साल कि हाँ हमारी कंपनी में ये चल रहा है हमारी प्लानिंग ये है लेकिन अभी देखो जैसे रक्षा मंत्रालय है तो वो क्या करता है डिफेंस जैसे मिनिस्ट्री है तो वो सारी चीज़ों को सीक्रेटली रखते हैं तो जब बात नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट पर आए तो इस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन पॉपर इज टू जनरेट रिवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट इनमें से कौन सा सुटेबल होगा जब मेन पर्पज़ क्या है कि गवर्नमेंट के लिए मैं रिवेन्यू गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए तो ना तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खुलेगा क्योंकि उसके बारे में हमने तो ही लिया हो, हमारा जो है वो पब्लिक मतलब सिक्योरिटी की बात हो या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात हो तब तो हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग खोलते हैं स्टैचुरी कॉरपोरेशन में जब किसी एक्ट के अंदर होता है और ये भी एल वगैरह जो होगा वो उसके एग्जाम्पल हो गए लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को खोला जाता है जब हमारा ये पर्पज़ होता है कि गवर्नमेंट भी रिवेन्यू क्रिएट करे जिस वजह से तो गवर्नमेंट कुछ कुछ कंपनियाँ जो है अभी भी गवर्नमेंट रखी हुई है तो ट्वेंटी थ्री का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप विच ऑफ दी फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेचुरी कॉरपोरेशन स्ट्रेचुरी कॉरपोरेशन का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है स्ट्रेचुरी कॉरपोरेशन तो आप पढ़ते मैंने बताया ही कि इनका जो फॉर्मेशन होता है एक प्रोविज़न एक लॉ के थ्रू होता है और उसी की तरीके से काम करते हैं तो हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेचुरी कॉरपोरेशन नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसे आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो स्टैचुरी कॉरपोरेशन के हैं लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन स्टैचुरी कॉरपोरेशन नहीं है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आएगा और मिनिस्ट्री के अंदर आएगा तो ये क्या है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है तो ट्वेंटी का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक इंटरप्राइज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक पब्लिक इंटरप्राइज़ है ही अब आपको बताना है कि किस फॉर्म मतलब आइडेंटिफाई दिस फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज पब्लिक इंटरप्राइज को तीन भागों में बांटा है तो आपको बताना है कि ये कौन सा वाला फॉर्म है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल भी बोला जाता है तो ये है आपकी गवर्नमेंट कंपनी ठीक है ट्वेंटी फाइव का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और जो है ना इसके और चैप्टर्स के भी ऑलरेडी डले हुए हैं वीडियो तो बिजनेस uh, स्टडीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को लाइक करिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि अगर आइज़ बिजनेस स्टडीज़ में आप क्या करते हो व्यूज़ बहुत कम आते हैं जिस वजह से एक इंस्पिरेशन नहीं मिलता कि हाँ आपके लिए और वीडियो बनाएं मतलब वैसे तो मैं लाती हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें बाकी थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी करने की ज़रूरत है